नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24/7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ। एसके अग्रवाल हॉस्पिटल में खुला प्रदेश का दूसरा तत्वानी क्लिनिक पीलीभीत। शहर में तत्वानी क्लिनिक टेलीमेडिसिन क्लिनिक इंडस्ट्री द्वारा शहरवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए ही क्लिनिक का शुभारंभ किया। एकता नगर कॉलोनी में मशहूर एसएस हॉस्पिटल में ई क्लिनिक खोला गया है। नए ई क्लिनिक के उद्घाटन पर एसएस अस्पताल के एमडी डॉक्टर एसके अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। ई क्लिनिक सेक्टर में तत्वान ने हजारों लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य रक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल ने बताया, तत्वानी क्लिनिक का मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधाएं तत्वान की प्रतिस्पर्धा ना के बराबर है, जिसने हमें मरीजों की बढ़ती हुई संख्या की सेवा करने की अनुमति प्रदान की है। पीलीभीत से विकास दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट। किस तरह का इलाज मरीज करवा पाएगा, क्या सिस्टम रहेगा इसका पूरा बताइए। नमस्कार, आज हम लोग आपको सूचित करते हुए कि यहाँ पर तत्वान की ई क्लिनिक का शुभारंभ किया जा रहा है। इस ई क्लिनिक का माध्यम है आपके शहर से बैठे हुए मरीजों को वेदांता, आर्टिमिस और फोर्टिस जैसे बड़े अस्पतालों से सीधा परामर्श कराना है। वहाँ बैठे हुए स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का यहाँ पीलीभीत में ही बैठे बैठे परामर्श लेना। इसका तरीका ऐसे रहता है कि जब कोई मरीज को वहाँ दिखाने का अपॉइंटमेंट लेना है तो इस क्लिनिक के माध्यम से उनके पर्चे व रिपोर्टें वहाँ भेज दिए जाते हैं और वहाँ से एक अपॉइंटमेंट मिलेगा। उस अपॉइंटमेंट को मरीज को पीलीभीत के क्लिनिक पे लाना है। आपको डायरेक्ट मरीज को दिल्ली ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मरीज को पीलीभीत के एसएस हॉस्पिटल में स्थापित क्लिनिक पे लाना है। यहाँ से वेब कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वेब टीवी के माध्यम से आपका परामर्श वहाँ बैठे हुए सीनियर डॉक्टर से, जो दिल्ली में मेदांता, फोर्टिस, आर्टिमिस में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, वो आपको टीवी के माध्यम से सीधे यहीं से देखेंगे और आपकी सारी रिपोर्ट्स का अध्ययन करके आपको सुचारू रूप से परामर्श प्राप्त कराएंगे यहीं पीलीभीत में बैठे हुए। आपको आगे अगर किसी और जांचों की आवश्यकता है या कोई इलाज की आवश्यकता है तो उसका परामर्श देंगे, नहीं तो आपको यहीं बैठे बैठे उनका लिखा हुआ दवा का पर्चा इसी कंप्यूटर से छपा हुआ निकल आएगा, जिसकी दवा आप अपने शहर में ही बैठे बैठे ले सकते हैं और उसको पालन कर सकते हैं। ये सुविधा केवल 600 रुपए परामर्श शुल्क में उपलब्ध रहेगी। ये 600 रुपए का पर्चा अगले 7 दिन तक मान्य रहेगा, जिसमें अगर आपने को कोई रिपोर्टें दिखानी है या डॉक्टर ने वहां से आपको उस 7 दिनों के अंदर दिखाने को कहा है तो आप उसी परामर्श शुल्क में 7 दिन तक फिर से उस दिल्ली के डॉक्टर से दोबारा परामर्श कर पाएंगे, तथा उसके बाद के लिए 7 दिन के बाद आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर फिर से अगर कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं या दोबारा परामर्श लेना चाहते हैं तो पीलीभीत शहर से ही कर सकते हैं। और इसका सारा पर्चा या दवा या बताया हुआ इलाज आपको कंप्यूटर के माध्यम से यहीं बैठे प्राप्त हो जाएगा, जिसकी दवाएँ आप ले सकते हैं यहीं से। कोई जाँचें अगर वो बताते हैं तो करा सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, अगर आपको वहाँ दिल्ली दिखाने जाना है तो आप यहाँ से पहले अपॉइंटमेंट लेके अपनी जांचें वहाँ भेजकर और उनके द्वारा बताए हुए कोई जांचें कराकर पहले से तैयारी करके वहाँ जा सकते हैं, जिससे कि आपका समय और पैसा बचे। तीसरा, जो मरीज वहाँ पर पहले से इलाज में चल रहे हैं या वहाँ ऑपरेशन करा चुके हैं, उनको बार बार वहाँ दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने पुराने पर्चे इस ई क्लिनिक के माध्यम से वहां भेजकर और अपने पुराने डॉक्टर को परामर्श करके उससे आगे का इलाज यही अपने शहर में बैठे बैठे करा सकते हैं। बार बार आपको दिल्ली जाकर परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है।
डॉक्टर साहब, अगर ऑपरेशन की कंडीशन आती है तो ऐसे में ऑपरेशन यही होगा, अगर यही होगा तो डॉक्टर वहाँ से आएंगे या आप ही लोग करेंगे? नहीं, वहाँ से इस क्लिनिक के थ्रू डॉक्टर्स नहीं आएंगे, आपको ऑपरेशन के लिए वहाँ के अस्पतालों में अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप यहाँ पर उस अपॉइंटमेंट पर वहाँ जाकर ऑपरेशन कराएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाएं।